नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में। आज दिनांक 30 मई 2023 और हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स के 10 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं विद डिटेल्स, ताकि आपको उस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। आज के सवाल कुछ इस प्रकार होंगे, जैसे कि तमिलनाडु राज्य का जापान देश के साथ समझौता से लेकर CBDC का उपयोग करने वाले पहले नगर निगम तक। तो चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर को एक एक करके, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय सेना के सप्त शक्तिमान कमान ने किन राज्यों के पश्चिमी सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति 2023 अभ्यास किया है? इसका उत्तर ऑप्शन बी, राजस्थान और पंजाब के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी सीमाओं पर सॉरी। प्रश्न दो है, RBI ने कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक और किस बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है? इसका उत्तर ऑप्शन ए, मराठा सहकारी बैंक को। आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी राइट इन साइड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न तीन है, किस राज्य की GCC की अराकू कॉफी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? इसका उत्तर ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य की। प्रश्न चार, किस केंद्रीय मंत्री ने समर्थ अभियान की शुरुआत की है? इसका उत्तर ऑप्शन सी, गिरिराज सिंह जी ने। आप इनका तस्वीर राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। प्रश्न पाँच है, किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया है? इसका उत्तर ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया ने। प्रश्न छः, तमिलनाडु राज्य सरकार ने ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका उत्तर ऑप्शन सी, जापान देश के साथ। आप इस समझौते के बारे में इत्यादि जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न सात है, COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में कौन शामिल हुए हैं? इसका उत्तर ऑप्शन डी, मुकेश अंबानी जी। प्रश्न आठ, CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम कौन सा बना है? इसका उत्तर ऑप्शन ए, पटना नगर निगम। आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। प्रश्न नौ, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा किस देश में शुरू हुई है? इसका उत्तर ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में। आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, 10वें प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कर दूँ, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। तो बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ने में सक्षम बनाने वाला पहला ऐप कौन सा बना है? इसका उत्तर ऑप्शन बी, फोन पे। आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमसे इन सभी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू एंड बाय बाय।